a tour bus. Still the same game, except I'm pulling more sleds, more bus. तो लॉन्डो तुम सबको तो पता ही होगा कि हमको दो मैजिक क्यूब फ्री मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में, टोटल फ्री में, हमको ना एक रुपया देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गेम खेलना है और फ्री में मिलेंगे। मतलब फ्री फायर के जैसे जैसे धीरे धीरे प्लेयर्स कम होंगे ना, उतना ही ज़्यादा फायदा होता जाएगा, क्योंकि फ्री फायर बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांटेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अपन तो फ्री फायर खेलते हैं और खेलते रहेंगे, और आगे जाकर जितने प्लेयर्स कम होंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को फ्री मिलेंगे। और जब दोबारा फ्री फायर का क्रेज़ आएगा तो हमारी आईडी बहुत ज़्यादा रेयर होगी। वाह यार, क्या ही सोच है मेरी। तो चलो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि बेस्ट मैजिक क्यूब बंडल कौन सा है, ठीक है। आपको कौन सा ऐसा बंडल है जो ले सकते हो, इनमें से बहुत सारे बंडल हैं, बहुत सारे पुराने हैं, बहुत सारे नए हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे बुरे हैं, तो कौन सा लेना चाहिए ये तुम लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, इसके मत करना। और हाँ, सिर्फ मैं मेल बंडल बताऊँगा, मेल वाले जो बंडल है वो बताऊँगा। अगर फीमेल्स रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब लड़कियाँ रिक्वेस्ट करेंगी, तो मैं पक्का बताऊँगा कि कौन सा बंडल आपको लेना चाहिए, बट भैया मतलब लेकिन ना प्लीज़। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और शुरू करते हैं नंबर वन से। तो नंबर वन पे जो है हमारा बंडल वो है भाई नाइट क्लाउन, यानी कि जोकर वाला बंडल। भाई इसकी टक्कर ना कोई ले सकता है और ना ले पाएगा, क्योंकि ये पहले भी खतरनाक था, अभी भी खतरनाक है। बट हाँ, ये चीज़ है कि ये अब रेयर नहीं रहा है, बट लुक तो अभी भी खतरनाक है ना। इसका जो मास्क है भाई, कतई यार, मैंने इसको बहुत पहन के खेला है, और मैंने इसे बहुत दिनों पहले, मतलब 2 साल पहले ही निकाल लिया था। भाई मैं सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ओपी तगड़ा है। सेकंड नंबर पर भाई हमारा ये वाला बंडल आ रहा है, इसका टॉप अच्छा है और चप्पल अच्छी है, बट ये रेयर है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब पुराना बंडल है और रेयर भी है, इसलिए मैंने इसे नंबर सेकंड पर रखा है। और ओपी है ये वाला बंडल भी, मतलब बंडल ही है, हाँ बंडल ही है। वैसे इसका पेंट सही नहीं है, ये पहन के मत खेलना, कुछ ठीक नहीं लग रहा इसका पेंट मेरे को। तो एक और चीज़ यार भाई, लोग तुम लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ। देखो मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब का, तो तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। देखो इस वीडियो को देखने वाले, एक बार प्लीज़ चैनल चेक कर लेना, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना और कंटेंट देख लेना। मैं ड्रेस कॉम्बिनेशन डालता हूँ, इसी टाइप की वीडियोज डालता हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो कर सकते हो आप सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। वैसे सब्सक्राइबर आजकल बढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, बट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये वाला जो बंडल है नंबर थर्ड पे, ठीक है, हंगर वाला बंडल। इसके साथ साथ एक और बंडल है जो इसके साइड में बंडल है, वो भी नंबर थर्ड पे। मतलब मेरे को कन्फ्यूजन था मैं कौन कौन से बंडल रखूं, तो मैंने सोचा चलो दो बंडल रख लेते हैं। तो ये वाला बंडल और ये वाला बंडल दोनों नंबर थर्ड पे हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है थोड़ी सी, आप भी थोड़ा चॉइस कर लो, ठीक है, मेरे पर उसे मतलब आप इन दोनों में से कौन सा लेना चाहते हैं। अगर आपके पास नाइट क्राउन और वो वाला बंडल है जो मैंने पहले बताया, तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अगले बंडल की तरफ बढ़े, तो अगला बंडल कहाँ गया हमारा, ये रहा। इसका जो टॉप है वो क्लासिक जैज पैंट के साथ कतई जहल लगता है, मतलब जो जैकेट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्लासिक जैज पैंट के साथ। इस बंडल का कॉम्बिनेशन मैंने झाड़ के रखा है चैनल पर, जितने भी बंडल है मैजिक क्यूब में और जितने भी फ्री फायर में अभी तक बंडल आए हैं, लगभग सभी बंडलों के ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन डाल के रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, या फिर आपको जो बंडल है उसका नाम लिखना है और बाद में मेरे चैनल का नाम लिख देना, आपको कॉम्बिनेशन आराम से देखने को मिल जाएंगे। अगले कॉम्बिनेशन की बात करें, यानी कि नंबर 5 की बात करें, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नंबर 5 पर आएगा। इसको देख के को नेवी सेट बंडल की याद आ जाती है, जो गोल्डन सेट है उसका छोटा भाई नेवी सेट, उसकी याद आ जाती है। अब मैंने बता दिए हैं 5 बंडल, ठीक है, मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। आपको जो बंडल निकालना है आप वो निकाल सकते हो, बट मैंने जो बंडल बताया है वो बेस्ट है। अगर आप वो निकालोगे तो बहुत बढ़िया बात है, बट आपको जो भी निकालना है आप निकाल सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप चाहो तो मैजिक क्यूब संभाल कर रख सकते हो, हो सकता है कि आगे जाके मैजिक क्यूब स्टोर चेंज हो जाए, नए नए बंडल ऐड हो जाए। ये बंडल तो रहेंगे, बट नए नए बंडल ऐड हो जाए, तो आप चाहो तो मैजिक क्यूब संभाल कर रख सकते हो। आपका जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हो, बाकी आपको जो बंडल निकालना है वो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार चैनल जरूर चेक कर लेना, और स्क्रीन पर आपको 4 वीडियोस दिख रही होगी, इन 4 में से कोई एक वीडियो आप जाकर देख लो तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा भला हो जाएगा, ठीक है। और आप भी समझ जाओगे भाई ड्रेस कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो जाकर एक बार चेक जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।